जल्दी जल्दी तेरी ये क्या था, मतलब बिना हॉर्न वॉरन देके निकल गया बस ये जिसलिए मतलब सिंगल रोड में ना यही सब बेटर, और मेरा बाइक पर आप पावर रो होते हुए जो भी हो, और फिर 94 का स्पीड पे साउंड क्वालिटी क्या है, आगे से गाड़ी आ रही, तो ये चीज के लिए बेटर है कि सिंगल रोड है ना सिंगल। अरे भाई जा रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो वैसे मुझे असम में कुछ काम था तो इसके लिए मैं निकल, जस्ट मैं अरुणाचल जो बॉर्डर है उसे जस्ट क्रॉस करके आया हूँ। और वैसे जो भी हो अभी फिलहाल ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है पूरा जंगल, और आज है सरस्वती पूजा, और सरस्वती पूजा में मैं मतलब निकल के आया हूँ। और ऐसे कुछ कुछ काम ऐसे भी कल मुझे यहाँ से तेरी देखो देखो यार भाई को एक दिखना छेना। चलो कोई बात नहीं, तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटा का जो प्रेस बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो लगे क्या, लगना चाहिए अच्छा ना, इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग के लिए। अरे आप लोग प्लीज़ मुझे 6K होने वाला है जो जल्दी जल्दी तेरी ये क्या था, मतलब बिना हॉर्न वॉरन देके निकल गया। अरे आप लोग से मैं आराम से बात कर रहा हूँ, बीच में आके मतलब बिना सिग्नल भी निकल गया, मतलब ना हॉर्न वॉरन दिया, मतलब स्लाइड से निकल गया। तो रुक जा, मैं इसे में सबसे पहले दिखाता हूँ, उसका FZ है यामाहा का, और हमारा SP 135, ये भी कम नहीं है, बापों के बाप है। तो कहाँ भागते है, रुक जा मुझे, मैं पकड़ता हूँ अभी, रुके। ये रोड का कंडीशन, इसके लिए मुझे डर भी लगता है कि सिंगल लाइन रोड है ये, और आगे से पटक से कुछ भी आ सकता है। तो वैसे इसलिए आराम से जाते हैं। और गाइस इस खुशी में आप लोग ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइस फॉलो कर लीजिए मंजित ब्लॉग्स, तो स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। देखा ये ओवरटेक करने जाता है तो आगे आ जाता है, तो वैसे देखते। और मुझे जो काम था बंदरदेव जाना है, तो मुझे एक पेन ड्राइव देना था एक किसी को, तो एक्चुअली मैं वेडिंग भी शूट करता हूँ, तो एक क्लाइंट को मतलब उसको हैंड ओवर करना था, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। ये ड्रैग भी यार, आगे से गाड़ी आ रहा, डर भी लगता है। तो आज तो सरस्वती पूजा है, सब लोग साड़ियों में घूम रहे, छोटे छोटे बहने लोग बहुत क्यूट से लगते हैं, छोटे छोटे बहन लोग जब साड़ी पहन के घूमते हैं। ये गाड़ी भी ट्रैक वाला भी ना साइड भी नहीं दे रहा, और वो गाड़ी मुझे आग दिखा के निकल गया, मतलब वो ऐसे कैसे मतलब डायरेक्ट भैया हॉर्न वॉरन देख के डायरेक्ट निकल जाते हैं। ये ट्रैक भी यार, ट्रैक लुक से बच के चलना चाहिए। देखते हैं अभी वो कहाँ जा रहे है, इस बार तो गया। ये जो रोड है ना, देखते हैं इस बार कहाँ जाते हैं। और मैं ना साउंड का बेटर क्या आ रहा था मुझे तो पता है नहीं, और रिकॉर्डिंग तो शायद, देखते हैं ये भाई कहाँ जा रहा है, और समझ को ओवरटेक करना पड़ता है। बस ये चीज लिए मतलब सिंगल रोड में ना यही चीज बेटर, और मेरा बाइक पर आप पावर रो होते हुए जो भी हो, और पूरा 94 का स्पीड पे साउंड क्वालिटी क्या है, आगे से गाड़ी आ रही, तो ये चीज के लिए बेटर है कि सिंगल रोड है ना सिंगल। अरे भाई जा रहे क्या, मतलब सिंगल रोड में यही दिक्कत है, मतलब कि आगे से भी आता है और इधर से भी आता है, तो इसके लिए मतलब दिक्कत होता है सिंगल रोड में। तो सिंगल रोड में ऐसा नहीं करो, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए। और हमारे पीछे अजय भाई आते हुए स्वाइक में, और ये टर्निंग सबसे खतरनाक टर्निंग है जो भी बोलो, इसको आराम से लेते हैं ऐसा करके, और फिर से ऐसा करके और एक लेते हैं। लेकिन जो कॉर्नरिंग है ना मस्त लगता है, लेकिन कॉर्नरिंग का मुझे सबक मिल चुका है एक बार, तो आप लोग ने वीडियो नहीं देखा हमारा एक्सीडेंट का, जाके एक बार चेक कीजिए हमारे चैनल पर, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन बोल नहीं सकते ना कब क्या होता है, तो वही बात है, तभी जाके डायरेक्ट हारमोनी में जाके मिलते हैं ना गाइस, तो काम वाम कर लेते हैं। और इस भाई को तो टक्कर दे ही दिया वो भी, क्योंकि सिंगल रोड है बोलते डर लगता है। और आप लोग का वीडियो किस टॉपिक में वीडियो से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए गाइस, तो मैं उसी टॉपिक में वीडियो लेके आऊँगा। और हमारा SP 125 को आई थिंक जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहा होगा मैं एक लंबी राइड में निकल गया होगा,
तो देखते रहिए आगे।